अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को होने जा रहा है, लेकिन राम मंदिर को लेकर आए दिन कोई न कोई विवाद बयान सामने आ रहे हैं। ताजा बयान बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने दिया है। उनसे राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में जाने के सवाल पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। हम तो हनुमान चालीसा भी पाठ करते हैं, हम रुद्राभिषेक भी करते हैं, हमको धर्म तो अपनाने का चीज है ना भाई। आज हम हिंदू हैं, कल हम जाएं लछुआर और ऐसा हमको प्रेरणा आ जाए, हम जैनी हो जाए, इसमें क्या है? इसमें कहीं रोक टोक है क्या? कल हम जाएं अजमेर शरीफ और हमको ऐसी प्रेरणा हो जाए, ऐसा हमको दिव्य ज्ञान मिल जाए, हम मुस्लिम हो जाएं, हम नमाजी हो जाएं, इसमें कौन दिक्कत है? धर्म तो अपनाने की चीज है। राजनीति और धर्म अपना अपना अलग अलग जगह है। राजनीति है, ये हिंदुस्तान वेलफेयर स्टेट है। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को लूटा और यहां से लूट करके इंग्लैंड ले गए, तो हम कमजोर हुए। हिंदुस्तान जब मुगलों के शासन में था तो हिंदुस्तान कमजोर नहीं था, हिंदुस्तान मजबूत था, क्योंकि मुगल यहां से भागे नहीं थे। मुगल के पास जो था सब यही हिंदुस्तान नहीं था, लेकिन अंग्रेजों ने यहां से लूटा तो हमारे पास मुगलों का शासन रहा। तो उन्होंने अपने शासनकाल में हिंदुओं को दबाने का काम किया और इस्लाम को बढ़ाने का काम किया, फिर अंग्रेज आए, उन्होंने हमें लूटने का काम किया। इसके पहले बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पैर कटेगा तो कहाँ जाओगे, पंडित जी को दिखाएंगे या अस्पताल जाएंगे। अब इस पर बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। आपकी भाषा भगवान राम के ऊपर शंका, राम चाहते तो महल बना लेते। आपके पार्टी के लोग सनातन के देवी देवता पर, धर्म ग्रंथों पर, धर्म गुरुओं पर अपमानजनक टिप्पणी कर करके, और उस पर आपका मौन रहना कहीं न कहीं सहमति और स्वीकृति है, और आपके इशारे पर इस तरह के बयानबाजी है। अरे सब बिहार जानता है कि आज आप सनातन से कितना दूर चले गए। आपका आधा पक्ष आज जिस धर्म से आता है, मैं उस धर्म का भी सम्मान करता हूँ, लेकिन सनातन का अपमान स्वीकार नहीं कर सकता। अरे जो बीमार पड़ेगा वो अस्पताल जाएगा, लेकिन अगर किसी को मानसिक शांति चाहिए, आध्यात्मिक शांति चाहिए, तो उसको मंदिर की आवश्यकता है। राम और रोटी, इस दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है। आदमी को राम भी चाहिए, आदमी को रोटी भी चाहिए, आदमी को ईश्वर की प्रार्थना भी चाहिए, नौकरी भी चाहिए, इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन थोड़ी है। तो फिर तिरुपति क्यों गए थे? चार्टर प्लेन करके 50 लाख रुपया खर्चा करके और बाल छिलवाने के लिए क्यों गए थे तिरुपति? नहीं जाना चाहिए था तिरुपति जो है? तो देखिए, हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाना, ठेस पहुंचाना, ये जो इंडी गठबंधन है उसका ये मकसद है। वहीं इकबाल अंसारी से अयोध्या के निमंत्रण पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, सवाल हमारे यहाँ अयोध्या का है। भगवान राम जो है साक्षात विराजमान होने जा रहे हैं, जो भी आएंगे दर्शन जो है पूजा करेंगे वो जो है अच्छा काम करेंगे, उनकी नियत भी साफ होगी और अच्छी होगी, क्योंकि भगवान के बताए हुए रास्ते पे लोग चलेंगे। हमारी भी यही मन, हमारा भी है कि लोग अपने धर्म के भी पक्के हों और सबके साथ अच्छा व्यवहार हो, तो हमें इस बात की खुशी है कि भगवान राम जो है साक्षात विराजमान है और सबको। इसके अलावा राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी देने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। ये धमकी जुबैर के नाम से बने ईमेल आईडी से दी गई थी। पुलिस ने ताहर सिंह और ओपी मिश्रा नामक दो युवक को पकड़ लिया है। तीसरे आरोपी की पहचान देवेंद्र सिंह के रूप में की गई है, उसकी तलाश जारी है। इस पर कांग्रेस ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। एक ईमेल भेजकर राम मंदिर को, यूपी की एसटीएफ चीफ को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी। और सिर्फ धमकी ही नहीं दी, उस ईमेल में योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ इतनी अभद्र भाषा, इतनी गंदी गंदी गालियां कि आप उसको पढ़ ही नहीं सकते थे, बर्दाश्त के बाहर था। और यही नहीं, उन्होंने मुसलमानों का दर्द भी बयां किया, कैसे छोटी छोटी बातों के लिए वो प्रताड़ित किए जाते हैं, जबरन पकड़ के जेल भेज दिए जाते हैं, कभी खाने पर, कभी नमाज पर, जो नुक्ताचीनी होती है, उन्होंने अपने दिल का दर्द बयां किया। मेरा नाम ताहर सिंह, पिताजी का नाम श्री पृथ्वीराज सिंह, गांव का नाम बिसम्बरपुर, थाना धानापुर, जिला गोंडा। ओम प्रकाश मिश्रा, सनाब भरत भुवन मिश्रा, निवासी भैरमपुर, कटरा बाजार, गोंडा। बता दें कि देवेंद्र सिंह के मेल पर ही धमकी आई थी।
उसी ने FIR भी दर्ज किया था, उसी ने ट्वीट कर पुलिस को सूचना भी दी थी। मेल में राम मंदिर के साथ ही CM योगी और STF चीफ अमिताभ यश को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। फिलहाल पुलिस ने दोनों के पास से 2 मोबाइल फोन, वाईफाई राउटर और 1 डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर बरामद कर लिया है। आरोपियों के खिलाफ धारा 506, 507, 153A, 420, 468, 471, 201, 120B और IT की धारा 66D के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।